और टैंकर वाले को फोन करें सर, और इसमें इसमें सिलेंडर गैस है, थोड़ा दूर लगाओ गाड़ी अपनी, अपनी गाड़ी दूर करें। ये फटेगा कहीं दूर, पता क्या पीछे मकान तो नहीं है कोई। नाम नसीर अहमद है, मैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। ये रेडी थी, तीन चार रेडी थी इधर संगलदान मार्केट में ही। हादसा जो है गैस आग लगने की वजह से हुआ है, हादसे का क्लियर पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। देर शाम एक फोन आता है हमें कि ऊपर मार्केट में आग लग चुकी है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बट अफसोस की बात यह है कि इधर एक जो है एक भी क्या कहते हैं इसको अपना फायर ब्रिगेड की कोई भी छोटी सी भी गाड़ी नहीं, एक छोटी ही गाड़ी होती कम से कम इसको बुझाया जा सकता था। अभी पुलिस ने कांटेक्ट गूगल में किया, एक डेढ़ घंटा लग गया उसको इधर पहुंचने में, तब तक जो है पूरी जो ये थी तीन चार रेडी खाक हो चुकी हैं, इसमें कुछ रहा नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही रहेगी कि इधर हमें एक फायर ब्रिगेड जो है गाड़ी एक दी जाए, छोटी ही दी जाए मगर कम से कम दी जाए, थोड़ा एरिया जो है सेफ रहेगा। बट मैं संगलदान व्यापार मंडल में, मेरी दुकान है। देखो ये लोग जो है ये तो दिन को अपने कमाते हैं और शाम को बच्चों को खिलाते हैं, तो अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे होती थी तो शायद यहाँ पे इतना नुकसान नहीं होना था। देखो अगर हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो भी क्या करता था बेचारा, वो उसने फोन से आना पड़ता है। जबकि 2017 से हम इसकी मांग कर रहे हैं कि संगलदान में हमें फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी दे दो। जब 23 अक्टूबर 2017 को मेरी दुकान को आग लगी थी, उस टाइम 2 घंटे के बाद आई थी गोल से गाड़ी, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं बचा पाया था, 18 लाख का मेरा नुकसान हुआ था उस टाइम। और तब से हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि हमें फायर ब्रिगेड गाड़ी छोटी दे दो, लेकिन दे दो संगलदान में, संगलदान अगर छोटी दोगे लेकिन दे दो। देखो अगर यहाँ पे गाड़ी होती थी, ये तो एडमिशन की लापरवाही है ना, अगर यहाँ पे गाड़ी होती थी शायद इतना नुकसान नहीं होता। Never miss an update.